बैजनाथ के मुख्य बाजार में एक दुकान की ऊपरी मंजिल में शनिवार दोपहर को अचानक लगी आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। अग्निशमन कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा पूरा बाजार आग की चपेट में आ सकता था। बैजनाथ के मुख्य बाजार में एक दुकान के ऊपरी मंजिल में शनिवार दोपहर को अचानक आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अग्निशमन कर्मचारी और स्थानीय लोगों ने समय रहते आग पर काबू पा लिया, अन्यथा पूरा बाजार आग की चपेट में आ सकता था। अग्निशमन कर्मचारियों के पहुंच जाने से साथ लगती दुकानों व घरों को बचा लिया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस के अनुसार ये भवन सुरेश सूद निवासी बैजनाथ का है, जो उन्होंने अश्वनी सूद को किराए पर दिया हुआ था। घटना के समय किराएदार किसी शादी समारोह में पालमपुर गए हुए थे। पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि इस अग्निकांड में लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें किराएदार का कमरे में रखा लगभग 70,000 रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। डीएसपी प्रताप सिंह ठाकुर ने बताया कि अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। सिटी चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट।